देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करेंगे पाकिस्तान में होने वाले जमीनी इंतखाबात का, और आज जो बल्दियाती इंतखाबात के अमल को फिर से एक बार रोका गया और इसके हवाले से मौतली का हुक्म जारी किया गया, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जमीनी इंतखाबात के जो नतायज है, क्या वो नतायज एक्सपेक्ट किए जा रहे थे या नहीं, और इन नतायज का आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? नातिक साहब, एज इट वॉज एक्सपेक्टेड ये जो नतायज देखने में आए, या समथिंग विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है जो 8-9 जो सीट्स थी वो पिक एंड चूज की गई थी, और मौजूदा गवर्नमेंट ने बड़ी टैक्टफुली इन सीट्स का सिलेक्शन किया, इनके ऊपर इस्तीफे एक्सेप्ट किए और इनके ऊपर इलेक्शन करवाए, बट रिजल्ट जो आया वो शायद मौजूदा गवर्नमेंट के फेवर में नजर नहीं आ रहा। देखें, ये सब जो है मफरूजे होते हैं, ये सारी सीटें पीटीआई की ही थी, ठीक है, पीटीआई की छोड़ी हुई सीट्स थी जो दोबारा से इलेक्शन के अंदर आई। मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो वैसे भी ये इलेक्शन जो हैं बहुत इनफेक्टिव रहे, कि टर्नआउट बहुत स्लो रहा, बहुत कम रहा कराची की हद तक, और लोग बहुत कम जो है वो पोलिंग स्टेशंस में आए, जो कि जबकि हमने अभी पिछले जो मतलब मेन इलेक्शंस देखे, जब पीटीआई हुकूमत जो है वो इख्तदार में आई, तो उस वक्त एक बड़ा क्रेज था लोग जो अखाड़े के अंदर पहलवान आपस में लड़ रहे हैं उसका चल रहा है ना, वो जोश वही होना चाहिए था, सिंस की हम बात कर रहे थे बाय इलेक्शन में और उन सीटों पर जहां से पीटीआई के जो है लोग छोड़ के गए थे, और अब फिर यही मफरूजे के जी हुकूमत वक्त ने जो है वो पिक एंड चूज किया है और बड़ा टैक्टफुली और टैक्टिकली किया। कुछ हलकों में नजर भी आया ना कि गवर्नमेंट को, ये हम सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का एक स्ट्रांग जोन है मलीर, और मुल्तान में भी उनके एक स्ट्रांग जोन है गिलानी फैमिली के वाइस, उन्होंने उन दो सीट्स का इंतखाब किया। एमक्यूएम इत्तेहादी जमात में है और एमक्यूएम की एक बहुत स्ट्रांग लेगेसी रही है लांडी के हवाले से, लांडी में विड्रॉ कर दिया। नहीं, लांडी में बिल्कुल उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो 12-13 हज़ार वोट्स उन्होंने हासिल किए। लेकिन इसके बाद आप ये देखें ना कि जो पंजाब में जिन सीट्स पे इलेक्शन हुआ उनमें पंजाब में मुस्लिम लीग नो ज्यादा कंफर्टेबल थी, केपीके में हमने देखा कि जेयूआई और एएनपी के वो स्ट्रांग जोन जहां पे उनकी उनकी सीनियर लीडरशिप इलेक्शन लड़ती है उन पे इलेक्शन किया गया, तो कहीं ना कहीं तो देयर वाज अ मंत्रा, देयर वाज अ सिस्टम बिहाइंड इट ना। देखिए, मैं अभी भी अगेन वही बात करूंगा कि ये वही सीटें थी जिन पे पीटीआई के मेंबर्स बैठे हुए थे, वही सीटों के द्वारा से इलेक्शन हुए, तो स्ट्रांग होल्ड्स की बात मुझे कहीं नजर नहीं आई। पीएमएलएन ने भी जो अभी दोबारा सीट वही जीती है जिसपे पहले भी वो उनका जो मेंबर था वो बैठा हुआ था, ठीक है ना, तो दैट मींस नथिंग हैज चेंज्ड, ये कैसे नथिंग हैज चेंज्ड, दैट मींस अगेन कि अगर नेक्स्ट इलेक्शंस हो तो 2/3 मेजॉरिटी ना सी बट भारी अक्षरित खान साहब को मिल सकती है, इफ नथिंग हैज चेंज्ड, मैं जिस तरफ जा रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि लोगों ने अगर एक सीट पे इलेक्शंस में 1.5 लाख लोगों ने वोट दिया था, इस दफा 80,000 लोगों ने वोट दिया है या शायद 60,000 लोगों ने वोट दिया, इसका मतलब है कि वो जो जोश और वलवला था वो वोटिंग टर्नआउट कम होता जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक्सक्यूज किया जाता है ना कि बाय इलेक्शन में। और फिर एक चीज ये भी है कि अगर खान साहब तमाम सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपने खुद देखा नातिक साहब के पीपल नोइंग कि शायद खान साहब इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी सीट ना रखें ना असेंबली में जाएं, बट वो वोट तो वोटर तो निकला ना घर से बाहर, मगर उस हिसाब से ही लगा अगर वो इमरान खान सीट पे इलेक्शन लड़ रहा है तो इमरान खान के लिए तो वही जम्मे गफीर दोबारा आना चाहिए था जिस तरह पहले आया, बट वो नहीं आया। गुफ्तगू करते हैं नुसरत वाइज साहब, मेंबर कॉमन असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जरा इनसे जानते हैं कि ये जो जबरदस्त कामयाबी रही तहरीक इंसाफ की और जो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए गए, इस हवाले से जरा जानते हैं। नुसरत जी, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत भाई साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद के एक थंपिंग डिफीट आपने विक्ट्री हासिल की और बड़ी जबरदस्त जीत के बाद अब क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, तहरीक इंसाफ का अगला लाया अमल क्या होगा, क्योंकि इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस जीत लिए, अब आगे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, ये एक रिकॉर्ड बन गया है मेरे ख्याल में दुनिया में कि 6 सीटें एक साथ एक वक्त में एक इंसान जीत रहा है, यानी एक वेव नजर आ रही है पाकिस्तान में कि लोग किसके साथ हैं। अब आप ये देखें कि 12 और 13 पार्टियां मिलकर और वो एक अकेले इंसान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है और उसमें भी बेईमानी हो रही है,
आपको बताया मलिर में कितनी धारणी हुई है, तो वो सीट हम हार गए, लेकिन हम जा रहे हैं दोबारा से इलेक्शन कमीशन के पास और इंशाल्लाह दोबारा होगा उसके ऊपर इलेक्शन और देखते हैं कौन जीतता है। और ये आपने पॉइंट आउट जो किया मलिर की सीट का, गालिब ने इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में जो ज्यादातर वीडियो फुटेज इलेक्शन बूथ के अंदर से आई वो मलिर की थी या मुल्तान की थी या केपीके के एक हलके की थी, तो ये क्या इसकी कुछ सिनर्जी मिलती है? मेरा नहीं ख्याल इस तरह की, लेकिन वहां पे जो लोग थे, हालांकि मोबाइल मोस्ट प्रोबेबली लेवल के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन उस कमरे से बाहर जो आई है बुक्स जिनके पास साइन हुए हुए थे, वो सारे आपने वीडियो देखी होंगी जी, तो सारी की सारी बुक के ऊपर साइन हुए हैं। फिर उसके अलावा एक जगह पुलिस वाला खड़ा है, वो छप्पे लगा रहे हैं, तेजी से छप्पे लगा के आ जाएंगे कह रहा है। तो इसका मतलब अब देख लें कि अब आज के जमाने में एक्चुअली हो नहीं सकता कि आप कोई काम करें और उससे आप बच जाए, गलत काम स्पेशली, तो वो हुआ है। आप देखें सारी चीजें आ गई, जहां जहाँ से हम लोग हारे हैं या जहाँ पे मतलब हारे हैं उसको और क्या कहेंगे। लेकिन नुसरत साहब ये एक बड़ा सवाल नहीं है, ज्यादा अलर्ट थे, लेकिन नुसरत साहब ये बड़ा सवाल नहीं है कि महज 8-9 हलकों में इलेक्शंस हो रहे हैं, वोटर टर्न आउट इतना ज्यादा नहीं है, बाय इलेक्शन है उसमें उतनी ज्यादा गहमा गहमी नहीं होती, फिर भी हमारे यहाँ एक साफ शफाफ इंतखाबी अमल नहीं हो पाता, इलेक्शन कमीशन इस पे भी नाकाम रहा है, तो आने वाले जनरल इलेक्शन में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए हम यही तो बार बार उनसे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशनर को चेंज किया जाए, जो चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन के वो बायस हैं, हमें पता है कि उनकी शहबाज शरीफ के खानदान में 2 शादियां हुई हैं, तो वो उन्होंने जाहिर जो ब्याह के गए हैं उस घर को तो फिर उन्होंने संभालना है ना, तो इसके लिए लाजमी है कि एक ऐसा इंसान आए जो इम्पार्शियल हो, न्यूट्रल, जिसका किसी की तरफ रुझान ना हो, क्योंकि ये वाले महकमे ऐसे हैं कि जहाँ पे आप चाहे उसको अदालत में ले लें या आर्मी को ले लें या नैब को ले लें या इलेक्शन, यहाँ पे जो भी चेयरमैन है ऐसा या जो भी हेड है उसको इम्पार्शियल होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इम्पार्शियल नहीं होगा वो एक्चुअली इंसाफ नहीं कर सकेगा किसी के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आता हूँ नुसरत साहब आपकी तरफ, नातिक साहब ये आपने गुफ्तगु सुनी, नुसरत साहब भी फरमा रही हैं और अक्सर लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर 7-8 हलकों पे इलेक्शन हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि फेयरली बेहतर इलेक्शन होना चाहिए, और कराची जैसा शहर जहां पे हम देखते हैं ओवरऑल गहमा गहमी है, डेवलप शहर है कंपैरेटिवली, आप गांव देहात में नहीं बैठे हुए, यहां पे भी अगर इस तरह की वीडियोज आती हैं, मनाजर आते हैं कि धांधली हो रही है, खा वो किसी की भी हक में हो, किसी के भी खिलाफ हो, लेकिन ये होता होना तो नहीं चाहिए था। देखिए मैं मुनीर के इल्जाम लगाने में और उसकी हकीकत होने में फर्क है ना, वीडियो के आ जाने का मकसद ये नहीं होता है कि वो जो वीडियो है वो सच है, वो वीडियो प्रॉब्ली शायद वहां की हो ही ना, या हो सकता है वहीं की हो, जब वो उसका फैसला आएगा फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वो धांधली हुई है कि नहीं हुई है, बट कोशिश अटेम्प्ट की गई ना बड़े पैमाने पे। देखिए अटेम्प्शन तो वही है ना कि अभी प्रूव नहीं हुई ना, अभी तो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मीडिया कह रहा है, पीटीआई कह रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा कोई कह रहा है, जब वो कहेगा और जब वो उसको लीगली प्रोसीडिंग उसकी होगी तो फिर पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट हमारे आज तक कभी लीगल प्रोसीडिंग्स हुई है इस तरह के मामला होनी चाहिए, नहीं हुई है तो अब होनी चाहिए, अगर इफ चेंज इज इन द एयर तो यस क्यों नहीं होनी चाहिए। नुसरत जी आप लीगल प्रोसीडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नातिक साहब भी यही फरमा रहे हैं कि डू यू थिंक इसके ऊपर एक कंप्लीट लीगल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतने छोटे इंतखाबात में भी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो देयर शुड बी समवन हु इज रिस्पांसिबल, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये इसके लिए आज अली जज साहब गए भी हैं कोर्ट में शायद, और वो जाके वो करेंगे जो भी करना है अदालती कार्रवाई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये देखें कि अगर ये वाली चीज कंटिन्यू हुई तो फिर हम इस सेल में कभी भी नहीं जीतेंगे, हमेशा भुट्टो जिंदा ही रहेगा और हमेशा सेल डूबता ही रहेगा, कभी किसी चीज में और कभी किसी चीज में और कभी किसी चीज में। इसके लिए हमें एक बहुत फेयर इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, फेयर जज चाहिए, फेयर आर्मी चीफ चाहिए, सारे वो लोग हों जो कि इसको लेके सही तरीके से चल सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आगे का क्या होने जा रहा है ये भी पता है ना कि व्हाट्स नेक्स्ट, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन जीत लिए, शायद तहरीके इंसाफ जिस चीज को प्रूव करना चाहती थी टू सम एक्सटेंट कर भी दिया, लेकिन अब क्या आप होने जा रहे हैं? हमारा सिर्फ ये है कि ये लोग इलेक्शन की डेट पे, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इलेक्शन की डेट पे,
और वो देंगे नहीं। जाहिर है उन्हें वेव नजर आ रही है, पूरा पाकिस्तान खान साहब के पीछे खड़ा हुआ है। इस वक्त हार्डली कोई लोग हैं जो नजर आते हैं जो कह देंगे नहीं जी भारत खैर। तो हमें सिर्फ ये है कि अगर इन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी तो फिर लॉन्ग मार्च नहीं होगा, लेकिन अगर इन्होंने इलेक्शन की डेट नहीं दी तो फिर लॉन्ग मार्च होगा, और फिर जब लॉन्ग मार्च होगा तो फिर आप देख लीजिएगा क्या हशर होगा। क्योंकि खान साहब के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पढ़े लिखे लोग हैं जो उनके साथ मौजूद हैं, दूसरे वुकला उनके साथ हैं, डॉक्टर्स उनके साथ हैं, आर्मी के लोग उनके साथ हैं, रिटायर्ड सारे जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक दफा अगर लॉन्ग मार्च शुरू हो गई, और उनमें ज्यादातर लोग वो हैं जिनको अपनी जान प्यारी नहीं है, हम किसी ओहदों के लिए नहीं आए थे, जब भी ज्वाइन किया था एक हिसाब से किया था कि पाकिस्तान को एक फेयर लीडर मिल जाए जो पाकिस्तान के साथ इंसाफ कर सके, और वो हमें मिला, और किस तरह आपने देखा कि उसको तो इसका मतलब ये कि आप लॉन्ग मार्च का इरादा रखती हैं। मैं आता हूं आपकी तरफ भी, नाटक साहब तहरीक इंसाफ ने तो अपना मूड वाजे कर दिया है, खान साहब ने भी इस बारे में बड़ा क्लियरली कहा कि गालिबन इसी माह में वो एक बड़ी कॉल दे सकते हैं, और अगर तो कॉल इस माह या अगले माह में भी आती है, बड़े सारे फैक्टर्स को देखा जा रहा है, मौसम की तब्दीली, चेहरों की तब्दीली, बहुत सी चीजें इस वक्त मरूज़े का मरूज़े खातिर रखी जा रही हैं। क्या आगे कुछ सिनेरियो में तब्दीली होती हुई नजर आ रही है, क्या इलेक्शन की कोई तारीख मिलेगी तहरीक इंसाफ? देखें इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं मिलेगी, क्या पीटीआई ये समझती है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आइंदा 10 साल हुकूमत करेगी? आज नहीं तो कल तो इलेक्शन की डेट आनी छह माह बाद होनी है, छह माह बाद या दो माह बाद तीन माह बाद इलेक्शन की डेट आनी है। ठीक है, अब इस चीज को बेस बना के मुल्क के अंदर जो है वो एक क्योस क्रिएट करना जो ये करते आए हैं फ्रॉम पिछले 5-6 साल पहले इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर से स्टार्ट किया और आज तक वही चल रहा है। देखें इलेक्शन की डेट तो आनी है, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, लॉन्ग मार्च करना ना करना डजंट मैटर। ठीक है, अगर ये समझते हैं निकलेगा लॉन्ग मार्च का, आपको लगता है लॉन्ग मार्च का नतीजा ये पहले भी करते आए हैं, उसके क्या नतीजे निकले? नुसर जी आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे सवाल से? जो नून लीग ने किया अदालतों के किस तरह ब्रेक करके उसके अंदर गए, किस तरह उन्होंने तोड़फोड़ की, किस तरह पीटीवी के अंदर गए, क्या क्या कुछ नहीं किया। हम लोग तो एक बहुत पुरसकून हमारा धरना था जिसमें दोपहर के बाद लोग आना शुरू करते थे, ऑफिस में होते थे, और फिर रात को 12 बजे 1 बजे सब अपने अपने घरों में। लेकिन नुसरत जी एक सवाल यहाँ पे जरूर है कि अगर तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के लिए निकल जाती है और पहले हफ्ते 10 दिन में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कोई बड़ा डेंट नहीं डलता, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किल हो जाए कि इस लॉन्ग मार्च से वापस कैसे हुआ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो फिर तैयार होगी ना? ये धरना नहीं है, ये लॉन्ग मार्च है, धरने में वी विल स्टार्ट और फिर मेरे ख्याल में कुछ घंटों में ही इसका एंड हो जाएगा, क्योंकि ये वो वाली चीज नहीं है कि इसको हम दिनों भर फैला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान और अब्रॉड विल कम एंड पार्टिसिपेट इन इट, और फिर तो ये मैक्सिमम 1-2 दिन की एक्टिविटी होगी, और आपको लगता है ये जो तमाम तर जो फैसला हो चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी नुसरत भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक सवाल है मुझे। जी जी नाटक साहब आप कुछ ये बार बार इन्होंने बोला एजुकेटेड लोग पाकिस्तान के जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं, तो क्या पाकिस्तान इज मतलब हम मेजॉरिटी एजुकेटेड हैं इस मुल्क के अंदर? क्या ये डिवीजन क्रिएट करते हैं एजुकेटेड में और अनएजुकेटेड लोगों के अंदर, रूरल और अर्बन का जो है वो कार्ड प्ले कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज दिस? अली उमूमी तौर पर क्योंकि वो है नहीं तो जस्ट टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, कि ये कहा जा सकता है कि शहरी इलाकों में जो लोगों का शऊर है वो कदरे बेहतर हो सकता है सियासी एतबार से, जो लोग गांव देहात में बसते हैं शायद ये कहा जा सकता है, ये गलत होगा? मुनीर मैं खुद एक गाँव का आदमी हूँ, अर्बन भी है रूरल भी है बोथ साइड का, बट हमारे उन इलाकों की अगर हम बात करें जो पे सिंध के ऐसे बड़े सारे इलाके हैं इंतहाई पसमानदा है, वहां पे इंफॉर्मेशन तो छोड़े, वहां पे तालीम तो छोड़े, वहां पे बेसिक राइट्स की भी हम देखते हैं वायलेशन हो रही है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर तो ये वाकई में दे आर डूइंग इट फॉर पाकिस्तान, तो फिर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें।
ठीक है, ये जो जो प्रोपेगेंडा है ना इसको ना करें, ये फिर अगर कहीं रेवोल्यूशन आता है, कहीं चेंज आता है तो चेंज विल चेंज ब्रिंग जो है कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तो जाएं इंटीरियर में, जाएं इंटीरियर सिंध में, जाएं इंटीरियर पंजाब में, जाएं केपीके में, जाएं बलूचिस्तान में, जाएं जाएं लोगों को कायल करें, समझाएं। अगर ये समझते हैं कि वो उनमें शऊर नहीं है तो बैठ के आप जाएं किसी गांव देहात के बंदे के साथ बैठे बैठें और उसे सियासत के ऊपर डिस्कशन करें, उसकी शायद उसकी इंटेलेक्ट बड़े इंटेलेक्ट जो है वो एक शहरी से या किसी पॉलिटिशियन से ज्यादा कुछ सही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत एक तरीके से सही भी है कि अगर तो चेंज की बात होती है तो चेंज ओवरऑल होता है और सोसाइटी का कोई भी हिस्सा, कोई भी सेगमेंट उसको पीछे नहीं होना चाहिए। अगर तो एक ओवरऑल मूवमेंट है तो उसमें हर कोई साथ हो तो फिर शायद उस मूवमेंट का असर ज्यादा बेहतर तौर पर नजर भी आ सकता है। लोकल बॉडीज के हवाले से कुछ बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा जनाब नजीब अयूबी साहब, उनसे जरा जानेंगे कि क्या तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है और जो जिस अंदाज से लोकल बॉडीज इंतखाबात को मुलतवी किया गया आगे क्या होता दिखाई देगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।